गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रभाव इस कदर बढ़ रहा है कि अब लड़कियां भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए पागल हो रही है। जी हां दोस्तों, दो लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए जेल पहुंच गई। उसके बाद तो दोस्तों बवाल ही हो गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से दो लड़कियां अपने माँ बाप से झूठ बोल करके लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए पंजाब जेल पहुँच गई, और उसके बाद जो हुआ उसको जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अब लड़कियों को भी अपना दीवाना बना लिया है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों इस बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही बवाल हुआ है, क्योंकि आपको बता दें जब से लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा था और वो भी जेल के अंदर से वीडियो कॉल कर रहा था, तो उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर तो सवाल उठा ही। और इस बार जिस तरह से दो लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए झारखंड से भागकर पंजाब चली गई, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही बवाल हो गया। आपको बता दें झारखंड की रहने वाली दो बहनें जो कि दिल्ली में रहती थी, दोनों दिल्ली में पढ़ाई करती थी, लेकिन बताया जाता है ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई का भी समर्थन करती थी। ये लोग अक्सर लॉरेंस बिश्नोई के वीडियोस को देखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। और बताया जाता है जब इन दोनों लड़कियों को ये खबर लगा कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ आज तक अन्याय नहीं करा है, साथ ही साथ दोस्तों जब इन दोनों लड़कियों को ये पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का नंबर वन गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को मानता है, तो इसके बाद ये दोनों लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करना शुरू कर दी। और बताया जाता है ये दोनों लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई से इस कदर प्रभावित हो गई कि दोनों लड़कियों ने अपने मन में ठान ली कि अब तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ सेल्फी लेकर के ही रहेंगे। आपको बता दें ये दोनों लड़कियां अपने माता पिता से कहती है हम लोग टूर पर जा रहे हैं, कॉलेज हम लोगों को घुमाने के लिए कहीं लेकर जा रहा है, तो आपको बता दें उसके माता पिता भी आदेश दे देते हैं। बाद में ये दोनों लड़की पंजाब के बठिंडा जेल में पहुंच जाती है, और दोस्तों जब पंजाब के बठिंडा जेल में पहुंचने के बाद दोनों लड़कियां सेल्फी लेने लग जाती है, तभी पंजाब पुलिस वहां पर आते हैं और पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी आकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। बाद में दोनों लड़कियों को जब गिरफ्तार करा जाता है तब जाकर के सारा का सारा सच्चाई सामने आता है। ये दोनों लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई के लिए इस कदर पगला चुकी थी कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई के साथ किसी भी कीमत पर सेल्फी लेना चाहती थी। ये दोनों लड़कियां लॉरेंस बिश्नोई के लिए इस कदर पागल हो चुकी थी कि दोनों किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ सेल्फी लेना चाहती थी। और दोस्तों दोनों सेल्फी लेने के लिए दिल्ली से पंजाब पहुंच गई, और जब पंजाब पुलिस को इस बात का सच्चाई पता चला तो पंजाब पुलिस का भी दिमाग हिल गया। अब आप सोच सकते हो कि लड़कियों के अंदर भी अब लॉरेंस बिश्नोई के लिए दीवानगी आ गया है, और आप सोच सकते हो दो लड़कियां वो भी अपने माँ बाप से झूठ बोल करके पंजाब पहुंच जाती है। अब दोस्तों बताया जाता है दोनों लड़कियों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के बाद अब दोनों लड़कियों से पूछताछ करा जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है दोनों लड़कियों का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया है, साथ ही साथ दोस्तों दोनों लड़कियों के मोबाइल फ़ोन को भी अब चेकअप करा जा रहा है। और दोनों के मोबाइल फ़ोन को जब चेकअप करा गया तो बहुत कुछ का खुलासा हुआ है। दरअसल बताया जाता है ये दोनों लड़कियां अपने मोबाइल फ़ोन में लॉरेंस बिश्नोई का फोटो सेव करके रखी हुई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी दोनों लड़कियों से जब पूछा गया कि तुम लोग दिल्ली से भागकर पंजाब क्यों आई हो, तो दोनों लड़कियों का ये कहना है कि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए पंजाब आई थी। तो आप सोच सकते हो किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये लोग पागल है। और दोस्तों ये केवल दो लड़कियों की कहानी नहीं है, बल्कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन भी करते हैं। तो आप सोच सकते हो आज तक केवल लड़कों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लड़का लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता है या फिर कोई लड़का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़कर आपराधिक काम करता है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने यह भी फाइनली सुन ही लिया कि लड़कियां भी वो भी दो दो लड़कियां अब लॉरेंस बिश्नोई के लिए दीवानी बन चुकी है। हालांकि दोनों दीवानियों का अब अच्छे तरीके से इलाज करा जा रहा है और उन लोगों से पूछताछ भी करा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने फाइनली बताया कि दो बहनें किस तरह से दिल्ली से भागकर, दोनों लड़कियां जो कि झारखंड की रहने वाली थी, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करती थी, और अब दिल्ली से भाग करके पंजाब के बठिंडा जेल में लॉरेंस बिश्नोई के साथ सेल्फी लेने गई, और अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो आप लोग कभी भी इस तरह का काम नहीं करना, और वैसे भी मैं आपको यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन मत करो, कभी भी किसी भी अपराधी को सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो मत करो, वरना यदि पुलिस वाले पकड़ेंगे तो अच्छे तरीके से रिलाई होगा। तो फिलहाल दोस्तों दोनों लड़कियों के माता पिता को खबर कर दिया गया है, और दोनों लड़कियों के माता पिता पंजाब पहुंचने ही वाले हैं, और माता पिता से पूछताछ करने के बाद ही दोनों लड़कियों को रिलीज करा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुँचाना, आपका काम है खबर सुनना। यदि आपको खबर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर ही देना,
और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।